नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बनाएंगे अमिया का आम पन्ना, जो कि हम खट्टा मीठा बनाते हैं रोटी पराठे से, नमक के पराठे से, तो बहुत टेस्टी लगता है। तो उसके लिए हमें कुछ कच्चे आम लेने होंगे, उसको बॉयल करना होगा। पहले कच्चे आमों को हम पहले बॉयल होने रखेंगे, जैसे हम आलू बॉयल होने रखते हैं बिल्कुल वैसे ही उसको बॉयल कर लेंगे। उसके बाद उसके छुक्कल छील लेंगे, जैसे हम आलू के करते हैं सेम वैसे ही हमें करना होगा। सारे कच्चे आमों को छीलने के बाद हम उसका सारा जो भी गूदा होगा वो निकाल देंगे, और जो अंदर गुठली होगी उसको निकाल कर हम बाहर फेंक देंगे। बाकी जो भी गूदा है हम उसको अच्छे से निकाल लेंगे। पहले कुछ इस तरीके से आम का गूदा तैयार हो जाएगा कच्चे आम का, फिर हम उसको मिक्सी में पीसेंगे। तो सारा गूदा डालकर हम मिक्सी में जितना भी गूदा बनाया था वो सब मिक्सी में डालने के बाद हम उसमें डालेंगे सूखा हुआ पुदीना। कच्चे आम के गूदे को और पुदीने को हम पीस के एक पेस्ट बना लेंगे और उसको चलने। पूरे पेस्ट को हम छलनी में छान लेंगे अच्छे से। कच्चे आम के पेस्ट को छलनी में छानने के बाद हम एक कढ़ाई लेंगे, जिसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे। आप चाहें देसी घी डाल सकते हैं, रिफाइंड, या जो भी आप ऑयल खाते हैं वो। उसके बाद उसमें हींग और जीरा डालकर जो पेस्ट को हमने छान कर रखा था फिर वो उसमें डाल देंगे। फिर उसको 5 मिनट अच्छे से चलाने के बाद उसमें काली मिर्च ऐड करेंगे एंड लाल मिर्च ऐड करेंगे। जितना स्पाइसी आप खाते हैं सिर्फ उतना ही स्पाइसी रखिएगा, और उसमें नमक डालेंगे। अब खट्टा और चटपटा तो बन गया, तो उसमें मीठे के लिए उसमें चीनी या आप गुड़ ऐड कर सकते हैं, जिससे कि वो खट्टा मीठा बने तो टेस्ट में और भी अच्छा लगेगा। आप नमक के पराठे या पूड़ी से खाइएगा, बहुत यम्मी लगता है ये। मैंने चीनी डालकर उसको 5 मिनट और पकाया था, तो कुछ इस तरीके से बनकर आम पन्ना तैयार हो गया है। तो आप लोग भी बनाइए, इस टाइम वैसे भी आम का सीजन चल रहा है तो कच्चे आम बहुत आ रहे हैं। बहुत सारी अलग अलग रेसिपी बनती हैं आम की, तो मैं आपको और भी काफ़ी रेसिपी लेकर आऊँगी। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आपको कच्चे आम की और रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।